पाड़ा 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 चालो बाबो भली कदेला पाड़ा पाड़ा चालो बाबो एक बार आंखों को खोल दे पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला जो लोग खड़े उनसे मेरा निवेदन है हाथों को खोल के एक बार पाड़ा पाड़ा चालो बाबो हो पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली कदेला रुणीचे वाड़ो बाबो भली कदेला पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली कदेला राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली करेला राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली करेला अभिवादन राम राम से करते हैं लेकिन जब सावन महीना लगता है तब क्या बोलते हैं कितने लोग बोलेंगे सभी लोग है मन सभी का जय बाबा की करने का कितने लोग नहीं बोलेंगे आप खड़ा करें एक बार जय हो तो जय बाबा री एक बार उद्घोष के साथ में पीछे तक सभी लोग भर देसी भंडार कदेनी कमी करेला आवाज नहीं आई
करेला राम ऋणी चे बाळो बाबो भली करेला राम ऋणी चे बाळो बाबो भली करेला राम ऋणी चे बाळो बाबो भली रामदेव जी महाराज री बारात अब रुणीचा सो रवाना और अमरकोट पहुंची है। ए गोपाल लाल में तो थारा चक्र चलतो रहो। अजमाल जी महाराज बड़ा लाडा कोटा सु बीरमदेव जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया। माता मैणा देरो लाड माता मैणा देरो स्नेह मिल रियो। बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी थो। दर्जी बड़ो लालची हो
बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी री इन करतूतरों पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जी बड़ा दुखी है, कोई महंगो कपड़ो कोई भरी ले जा देवे तो वो भरी तो अंदर राख दे और सूतीरा कपड़ा बनार दे देवे। गांवरे लोगों की मजबूरी थी और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने परचो देने री ठान आ चटने करू रे माने कयो ए मन घोड़ लियो मंगवाए मारी मां मन घोड़ लियो मंगवा अपनी मां मेणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ो मांगियो मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो रूपो दर्जी चोरी कर दी बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बाड़क ले आयो झूठ बोलियो कर री चोरी टैक्स री चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो। लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्याह री कामना करे माता मेणा दे रे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपन करो ब्याह री बात चलाओ एक दिन
अजमाल जी महाराज ने मैणा दे जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ, घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता, दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी, नाम तो नेतल। अठिन जैसे माता मैणा दे रहे मन में चिंता हुई, उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार। दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है, बोटियार हो गई है, जवान हो गई है, कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो, अपनी बेटी री सगाई करनी है, थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में राखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरकोट सोडा घरे ने कनिया जन्मी है। हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विधाता ने। दल जी के दो पुत्र भए कन्या एक सुजा। हो अजमल घर अवतार सो जारो लिखो विधाता। प्राणपति अर्जी सुनो नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी भरे साथ में तो मारो बहु बहु रो रिश्तो है, बहु बहु रो संबंध है। और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध। दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात। प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा। अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो कौन सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया, ब्राह्मण देवता ने बुलाया एक सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी। बोले रोणीचा गांवरा ठाकुर साहब है, अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है, आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया। जार माता मैणा दे जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सो आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे मन में विचार कियो कि घर आयो रे नाले रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं और 1,25,000 री मोहरा दे। और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा दे जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब केड़ा के मैं देखनी चाहू कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं तो माता मैणा दे कह दियो कि आप गांव रे बाहर पधारो बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयों में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण की ओडा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे। जार मैणा दे जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोकरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव
थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया, और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तुम्हार वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी माँ थने समझावे, अपनी माँ री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी माँ ने हाँ भर दियो, बोले कि माँ मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई, माता मीणा दे उदास, और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी, पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कहीं बात है, तू उदास क्यों, थाने किन बात री चिंता है। तब माता मीणा देरे आंखों में आंसू आ गया, बोली बेटा हरे लाछा तो आई बेटा, तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आ, लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आई, अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, मारी सुगना ने बेगी बेगी आवो दियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मावरा, रुणी चिरा राजा है।